बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ओके क्लास फाइव स्टूडेंट्स, दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर वन ऑन पेज नंबर 50। हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपने अपनी कॉपी में ऑलरेडी डन कर लिया होगा, एक्सरसाइज 22 तक। नाउ दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज रिलेटेड टू 22, यानी कि ये एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है, एक्सरसाइज 22 से। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, दैट इज़ वाई आई डू इन दिस वीडियो एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। सो प्लीज़ कॉपी डाउन ऑल दी एग्जाम्पल, यानी कि जो मैं एग्जाम्पल इन इस वीडियो में करवा रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। सो यू हैव टू कॉपी डाउन इन योर कॉपी, आपको ये अपनी कॉपी में डन करना है। इज़ दैट क्लियर क्लास फाइव स्टूडेंट्स? दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 50। अगर आप अपनी बुक में देखें तो ये पेज नंबर 50 पे डन हुई भी है। तो मैं आपको इसी से रिलेटेड मैंने एक्सरसाइज करवाई है, एक्सरसाइज 22, और आप इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल अपनी कॉपी में डन करेंगे, ताकि आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन होते हैं, दैट इज़ व्हाई वी डू इन दिस वीडियो। ओके क्लास फाइव स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्क। जी क्लास फाइव स्टूडेंट्स, दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 50। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, टू रोप्स 12 मीटर एंड 18 मीटर लॉन्ग आर टू बी कट इन टू स्मॉल पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ। दो रस्सियाँ हैं, एक 12 मीटर और एक 18 मीटर लंबी हैं, उनको कट करना है हमें स्मॉल पीसेज में, बराबर के स्मॉल पीसेज में, यानी कि इक्वल लेंथ, इक्वल मतलब बराबर लेंथ में, स्मॉल पीसेज में कट करना है। वॉट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, यानी कि मैक्सिमम लेंथ यानी कि सबसे ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ कितनी होगी हर पीस की। आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट का वर्ड जहाँ यूज़ होगा वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे बाय दी लॉन्ग डिवीजन मेथड। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे बाय दी लॉन्ग डिवीजन मेथड। फॉर मैक्सिमम लेंथ फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैक्सिमम लेंथ मालूम करना है तो हमें किससे, किस मेथड से मालूम करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। तो राइट सॉल्यूशन हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व एंड देन स्टार्ट योर वर्क। 12 दो पीसेज हैं, 18 अंदर रखेंगे और 12 बाहर रखेंगे, क्योंकि छोटा नंबर अंदर, बड़ा नंबर अंदर और छोटा नंबर बाहर। सो 12 वन ज़ा 12, 8 में से 2 गए 6 बचे, 1 में से 1 गए क्रॉस। अब जो हमारे पास पहले डिवाइज़र था वो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड। 6 टू ज़ा 12, हमने दोनों जो रोप्स थी उनकी जो लेंथ थी उनको डिवाइड किया है, 18 मीटर और 12 मीटर। 12 वन ज़ा 12, 8 माइनस 2 6, जो पहले डिवाइजर था वो अब हमारे पास डिविडेंड बन गया है। तो 6 टू ज़ा 12, सो द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। एंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, जो लेंथ होगी इक्वल बराबर हिस्सों में जो बांटनी है हमें, उसकी मैक्सिमम लेंथ यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 6 मीटर, यानी कि एक रस्सी का जो पीस होगा उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ होगी वो 6 मीटर होगी। दो रस्सियाँ थी उनको हमें स्मॉल पीसेज में कट करना था बराबर की लेंथ से। तो इन्होंने पूछा था व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, हमें ये बताना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ क्या होगी ईच पीस की। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6 एंड ऑल्सो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इज 6 मीटर। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 50, यू हैव टू कॉपी डाउन इन योर कॉपी, आपको ये अपनी कॉपी में कॉपी डाउन करना है और इसको अच्छे तरीके से समझना है कि मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट का लफ्ज़ जहाँ यूज़ होगा वहाँ हम लॉन्ग डिवीजन मेथड मालूम करेंगे टू फाइंड आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम का वर्ड या ग्रेटेस्ट का वर्ड जहाँ होगा वहाँ हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे बाय दी लॉन्ग डिवीजन मेथड। इज़ दैट क्लियर क्लास फाइव स्टूडेंट्स? सो प्लीज़ कॉपी डाउन दिस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 यह हमारे पास दी गई है पेज नंबर 50 पर, यह आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इज़ दैट क्लियर? सो मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 2। क्लास फाइव स्टूडेंट, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन पेज नंबर 50 ऑल्सो। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स सो दैट हीप्स ऑफ 12, 15 और 20 मार्बल्स कैन बी मेड। इन्होंने कहा है वो छोटे से छोटे नंबर ऑफ मार्बल्स बताइए, यानी कि सबसे लीस्ट मार्बल्स जो होंगे, जो लगेंगे 12, 15 और 20 मार्बल्स कैन बी मेड, जिनमें हम यानी कि 12, 15 और 20 मार्बल्स बना सकते हैं। वो छोटे से छोटे मतलब इतने मार्बल्स बताइए, लीस्ट यानी कम से कम मार्बल्स बताइए जो
12, 15 और 20 मार्बल्स कैन बी मेड, उन पर हमने 12, 15 और 20 मार्बल्स बना सकते हैं. तो लीस्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है, मिनिमम लीस्ट का वर्ड यूज़ होगा, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. क्या यूज़ करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इज़ दैट क्लियर? मिनिमम का लफ्ज़ यूज़ होगा या लीस्ट का वर्ड यूज़ होगा या दो वर्ड यूज़ होंगे, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन डिवीजन यूज़ करते हैं बाय दी LCM मेथड, कॉमन मेथड. सो 12 सॉल्व लिखेंगे सबसे पहले, 15, 20. सो स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 6 जै 12, 15 एज इट इज़, 2 10 जै 20, अगेन 2 3 जै 6, 15 एज इट इज़, 2 5 जै 10, देन 3 1 जै 3, 3 5 जै 15, 5 एज इट इज़, एंड अगेन 5, 5 1 जै 5, 5 1 जै 5. सो अब हम LCM लिखते हैं, LCM 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60. LCM हमारे पास क्या आया है, 60. LCM क्या आया है हमारे पास, 60. सो द लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स, हमें क्या बताना था, लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स, तो हमें बताना है कि व्हाट आर द लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स. तो कितने कम से कम मार्बल्स चाहिए हमें, लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 60, इज इक्वल टू 60. इज दैट क्लियर क्लास 5 स्टूडेंट्स? आई रिपीट अगेन, जब हमारे पास लीस्ट या मिनिमम, मैं दो वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लीस्ट या मिनिमम का वर्ड यूज़ होगा हमारे सवाल में, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम में, तो वहाँ हम कॉमन डिवीजन से, यानी कि कॉमन डिवीजन से LCM फाइंड आउट करेंगे. इज़ दैट क्लियर? क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM फाइंड आउट करेंगे बाय द कॉमन डिवीजन मेथड से, लीस्ट या मिनिमम का वर्ड यूज़ होगा. सो हमने यहाँ पर लीस्ट या मिनिमम का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो हमने यहाँ पर 12, 15 और 20 का कॉमन डिवीजन से LCM निकाला है. सो LCM हमारे पास क्या है, 60. तो वो 60 मार्बल्स, यानी कि लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 60, वो कितने आएंगे, 60. इज दैट क्लियर क्लास 5 स्टूडेंट्स? क्लास 5 स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? सो प्लीज़ कॉपी डाउन क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 इन योर कॉपी. आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में करने हैं, ताकि आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ताकि आपको अच्छे तरीके समझ में आएगी, तो ये आप लोग एग्जाम्स के तौर पे भी इम्पॉर्टेंट है. इज़ दैट क्लियर? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑल्सो. सो प्लीज़ कम्प्लीट योर एक्सरसाइज नंबर, पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर. सो इट इज़ द पेज नंबर ऑन 50. सो प्लीज़ कॉपी डाउन इन योर कॉपी. इज़ दैट क्लियर क्लास 5 स्टूडेंट? सो प्लीज़, आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. प्लीज़ डू नीट वर्क, राइट डाउन एग्जाम पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर, एंड मेक इंडेक्स. यू मस्ट मेक इंडेक्स क्लास 5 स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक इंडेक्स. प्लीज़ प्रॉपर इंडेक्स बनाइए, इंडेक्स को मेंटेन करिए. अल्लाह हाफिज़.